तो बेसिकली मशीन एसी हो या डीसी, दो तरह की वाइंडिंग पाई जाती है मशीन में। एक है फील्ड वाइंडिंग और दूसरी है आर्मेचर वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग का काम होता है मशीन के अंदर वर्किंग फ्लक्स यानी कि मैग्नेटिक एनर्जी बनाना। आर्मेचर वाइंडिंग का काम होता है वर्किंग ईएमएफ को इंड्यूस करना। और वर्किंग ईएमएफ इंड्यूस किससे होगी? ऑब्वियस सी बात है, फ्लक्स से। और फ्लक्स कौन बना रहा है? फील्ड वाइंडिंग। और इसी फ्लक्स से इंड्यूस होगी ईएमएफ, और ईएमएफ कहाँ इंड्यूस होगी? आर्मेचर वाइंडिंग में। तो आर्मेचर वाइंडिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना रही है, फील्ड वाइंडिंग मैग्नेटिक एनर्जी बना रही है। और कोई भी रोटेटिंग डिवाइस होगी तो उस रोटेटिंग डिवाइस को काम करने के लिए, रोटेटिंग मशीन जो भी होगी उसको काम करने के लिए इन दोनों तरह की एनर्जी को की ज़रूरत पड़ेगी, दैट इज़ मैग्नेटिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो मैग्नेटिक एनर्जी फील्ड वाइंडिंग बना रही है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर्मेचर वाइंडिंग बना रही है। हम लोग डीसी मशीन पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे जो आप रोटर देख रहे हैं, ये रोटर डीसी मशीन का रोटर है। सिलेंड्रिकल शेप का होता है, इसके पेरी पेरी पे स्लॉट्स होते हैं। यहाँ पर कुछ ये बना हुआ है डायग्राम, ये पतले पतले स्लाइसेस में स्टैक्स में काट के इसको लगाया जाता है, लैमिनेट किया जाता है, ठीक है। और ये आप स्लॉट्स देख रहे हैं, इसके पेरी पेरी पे ये सारे स्लॉट्स हैं अलोंग द एक्सिस ऑफ द रोटर। एक्सिस ऑफ द रोटर यानी शाफ्ट के अलोंग। और इन स्लॉट्स में ही वाइंडिंग्स को इंसर्ट किया जाता है, यानी स्लॉट्स में ही वाइंडिंग जाएगी। जैसे स्लॉट से वाइंडिंग इंटर किया हमने, उसके बाद ये दूसरे वाले स्लॉट में दूसरा सिरा वाइंडिंग का आएगा, ठीक है। इस तरह से वाइंडिंग लगाई जाती है, जो यहाँ पर एज एन एग्जांपल बना हुआ है। ये आप देख रहे हैं वायर है, स्लॉट वन मान लीजिए, ये स्लॉट वन लिखा हुआ है। स्लॉट वन में ये एक साइड गई है कॉइल की, तो दूसरी साइड आई है स्लॉट फाइव में, तो ये एक कॉइल हो गई, ठीक है। अब ये वाली कॉइल आप देख रहे होंगे, ये थोड़ा सा आपको शॉर्ट दिख रही होगी, तो अभी शॉर्ट कॉइल की बात हम कर ही नहीं रहे हैं, कॉर्डेड कॉइल की। सिर्फ अभी हम आपको ये दिखाना चाह रहे हैं कि किस तरह से स्लॉट्स में वाइंडिंग बांधी जाती है, ठीक है, कॉइल लगाई जाती है। तो ये तो तरीका हो गया, मतलब आपको पिक्चर दिखेगी तो समझने में थोड़ा आसानी हो गई हो जाएगी। इस वजह से हमने ये पिक्चर्स इसमें इंसर्ट कर रखी हुई है, ताकि आपको थोड़ा समझ में आए कि वाइंडिंग लगेगी कहाँ। वाइंडिंग लगेगी स्लॉट्स में, जो कि आर्मेचर के पेरीफेरी में होगा। आर्मेचर यानी डीसी मशीन के केस में आर्मेचर जब भी हम बोल रहे हैं तो इसका मतलब है कि रोटर है। डीसी मशीन में रोटर पर आर्मेचर वाइंडिंग होती है और स्टेटर पर फील्ड वाइंडिंग। अगर स्मॉल मशीन है तो इन प्लेस ऑफ फील्ड वाइंडिंग परमानेंट मैग्नेट यूज होता है। और लार्ज रेटिंग की मशीन है तो इन प्लेस ऑफ परमानेंट मैग्नेट फील्ड वाइंडिंग का इस्तेमाल होता है। तो ये तो बात हो गई आर्मेचर वाइंडिंग के डेफिनेशन की, इसका काम क्या है और किस तरह से इसको बांधा जाता है मशीन के अंदर, ठीक है। अब बात आती है जो टर्म रिलेटेड है आर्मेचर वाइंडिंग से, उसको समझ लीजिए। कुछ टर्म है इम्पोर्टेंट। पहली चीज़ तो कंडक्टर क्या होता है, टर्न क्या होता है, कॉइल क्या होती है। तो यहाँ पर आपको तीन अलग अलग डायग्राम्स दिख रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है ए बी डी ई। तो ये ए बी जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये पोर्शन स्लॉट के अंदर है। इसी तरह से डी ई जो आप पोर्शन देख रहे हैं, ये भी स्लॉट के अंदर है। मतलब इससे पहले वाला जो डायग्राम है, ये वाला, तो स्लॉट के अंदर जो पोर्शन है ये है ए बी। इसी तरह से इसका ये दूसरा सिरा यहाँ है स्लॉट फाइव में, डी ई, और ये वाला पॉइंट मान लीजिए सी है। तो ए बी और डी ई या ई डी, ये जो पोर्शन स्लॉट के अंदर है इसको कंडक्टर कहते हैं। जो स्लॉट के बाहर है, यानी ये वाला पोर्शन ए सी डी,
दिख नहीं रहा है। क्या सभी को नहीं दिख रहा है? दिख रहा है? ओके ओके, अच्छा देख लीजिए भाई, आप लोगों को तरह तरह की प्रॉब्लम्स जो बताई बताई जा रही हैं उसको आप करके देख लें। चलिए कुछ देर रुक जाते हैं कविता मैडम के लिए। कविता दोबारा आप लॉगिन करके देखिए। अच्छा, देखिए अनिरुद्ध मिश्रा अभी आ रहे हैं बहुत देर के बाद। चलिए तो मैं यह समझा रहा हूँ आप लोगों को कि स्लॉट के अंदर जो हिस्सा होता है वायर का, जैसे कि ये है, आप मान लीजिए ये वाला हिस्सा ए से लेके बी तक हम मान लें, इसी तरह से इसी वायर का ये वाला हिस्सा जो स्लॉट 5 में गया हुआ है, इसको अगर हम मान लीजिए हैं ए बी, इसको इसको सी मान लेते हैं, इसको डी और इसको ई ई सॉरी, तो ए बी और डी ई ये स्लॉट के अंदर है, जो स्लॉट के अंदर वाला हिस्सा है यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको कहते हैं कंडक्टर। ये कंडक्टर वन हो गया, और डी से ई तक जो हिस्सा है इसको कहेंगे कंडक्टर, ये हो गया कंडक्टर टू। ठीक, इसको कंडक्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि जो हिस्सा स्लॉट के अंदर होता है वायर का, वाइंडिंग का, सिर्फ उसी में ही ईएमएफ इंड्यूस होती है, या एनर्जी कन्वर्जन का जो प्रोसेस है वो सिर्फ उतने ही लेंथ में होता है जो स्लॉट के अंदर होता है। कोई अनम्यूट है उस, अपने आप को म्यूट करो। युवराज सिंह अपने आप को म्यूट करो, युवराज सिंह अनम्यूट हो। चलिए तो जो लेंथ स्लॉट के अंदर होती है, एनर्जी कन्वर्जन का प्रोसेस सिर्फ उसी लेंथ में होता है, या और आसान भाषा में समझिए तो ईएमएफ सिर्फ उसी लेंथ में इंड्यूस होता है जो स्लॉट के अंदर होता है, इसलिए इसको नाम दिया गया कंडक्टर। ठीक है, अब फिर से उस फिगर पे चलते हैं। तो यहाँ पर ये जो लेंथ ए बी और डी ई, या इसको ई डी भी पढ़ सकते हैं, ये लेंथ वो है जो स्लॉट के अंदर थी आर्मेचर में, तो इसको नाम दिया गया कंडक्टर। तो यहाँ लिखा हुआ है डेफिनेशन, अ लेंथ ऑफ वायर विच टेक्स एक्टिव पार्ट इन एनर्जी कन्वर्जन प्रोसेस इज कॉल्ड अ कंडक्टर। ठीक है, एनर्जी कन्वर्जन प्रोसेस मतलब जहाँ पर ईएमएफ डेवलप हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, जैसे मोटर के केस में हम मैकेनिकल एनर्जी सॉरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, वो कन्वर्ट होती है मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, और जनरेटर के केस में मैकेनिकल एनर्जी इनपुट देते हैं हम लोग रोटर पे यानी आर्मेचर पे, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो जो एनर्जी कन्वर्जन का प्रोसेस है वो इसी एक्टिव लेंथ में होता है, ए बी और डी ई में, इस वजह से इसका नाम रख दिया गया कंडक्टर। ठीक, तो ए बी और डी ई, या इसको ई डी भी पढ़ सकते हैं, ये दो कंडक्टर हुए इस कॉयल के अंदर। ठीक है, मतलब क्या है कि एक कंडक्टर ये दूसरा कंडक्टर, इसने क्या बना दिया, एक टर्न बना दिया, तो ये एक टर्न की कॉयल हो गई। ठीक है, और एक टर्न में दो कंडक्टर होते हैं, तो वन टर्न कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टर, कंडक्टर ए बी एंड डी ई फॉर्म वन टर्न। द टू कंडक्टर्स ऑफ अ टर्न आर यूजुअली अ पोल पिच अपार्ट सो दैट जनरेटेड ई एम एफ इन दीज कंडक्टर्स आर एडिटिव इन नेचर। ये वाला जो पूरा पोर्शन है, ये वाला एडिटिव इन नेचर, जो ई एम एफ इंड्यूस हो इन दोनों कंडक्टर में वो एडिटिव नेचर का हो, यह भी हम लोग थोड़ी देर बाद समझेंगे कि कैसे ई एम एफ एडिटिव नेचर का आएगा। और पोल पिच का मतलब क्या होता है, पोल पिच का मतलब होता है दो एडजेसेंट पोल के बीच की पेरीफेरल डिस्टेंस, मतलब दो पोल हैं कंसेक्यूटिव एडजेसेंट, सॉरी एडजेसेंट नॉट कंसेक्यूटिव, एडजेसेंट दो पोल हैं
उन पे आप कोई भी आइडेंटिकल पॉइंट्स ले लीजिए और उन पॉइंट्स से पेरिफेरल डिस्टेंस जो मेजर होगी उसको पोल पिच कहते हैं। एक मिनट डायग्राम दिखाते हैं हम आपको पोल पिच के लिए। ये देखिए पोल पिच के लिए डायग्राम है, ये एस पोल, ये एन पोल, और ये देखिए एक आइडेंटिकल पॉइंट, यानी इसका भी सेंटर और इसका भी सेंटर, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दी गई। और ये जो पेरिफेरल डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक की, इसको कहते हैं एक पोल पिच, ठीक है। और वन पोल पिच इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल, ये हमेशा होता है। नंबर ऑफ पोल कितने भी हो मशीन के अंदर, एक पोल पिच बराबर हमेशा 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल होता है, ठीक है। अब यहाँ इस मशीन में इन दोनों आइडेंटिकल पॉइंट के बीच में जो मैकेनिकल एंगल है वो भी 180 डिग्री ही है, ठीक है। लेकिन अगर यही चार पोल की मशीन आप बना लेंगे, जैसे मान लीजिए चार पोल की मशीन है, सपोज ये एन पोल है, ये एस पोल है, ये एन पोल है, ये एस पोल है, तो अब यहाँ पर आप किसी भी दो कंसेक्यूटिव पोल के बीच में पेरिफेरल डिस्टेंस मेजर करेंगे, तो अब ये मैकेनिकल डिग्री तो 90 हुआ, यानी कि पाई बाई टू हुआ, लेकिन इलेक्ट्रिकल डिग्री अभी भी 180 ही रहेगी। तो ये जो रिलेशन है वो होता है थीटा इलेक्ट्रिकल थीटा इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू पी बाई टू थीटा मैकेनिकल, ये रिलेशन होता है। तो इस बात को याद रखिएगा कि वन पोल पिच हमेशा 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल ही होती है, लेकिन मैकेनिकल डिग्री बदलती है। जैसा अभी मैंने एग्जांपल आपको दिया, अगर दो पोल की मशीन है तो मैकेनिकल डिग्री तो 180 है, बट जब चार पोल की मशीन होगी तो मैकेनिकल एंगल जो है वो 90 डिग्री का रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रिकल जो है वो रहेगा अभी भी 180। इसको यहाँ से आप देख भी सकते हैं, अगर दो पोल की मशीन होगी तो 2 बाई 2, यानी थीटा इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू थीटा मैकेनिकल। फोर पोल की मशीन है तो 4 बाई 2 थीटा मैकेनिकल, ठीक, तो यानी 2 थीटा मैकेनिकल। तो थीटा मैकेनिकल क्या हो जाएगा, थीटा इलेक्ट्रिकल अपॉन 2, जब फोर पोल की मशीन होगी तो थीटा इलेक्ट्रिकल हमेशा 180 डिग्री होता है, तो 180 बटे 2 कितना हो गया, 90 डिग्री। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, थीटा इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू पी बाई टू थीटा मैकेनिकल। तो ये एक पोल पिच का मतलब होता है, दैट इज पेरिफेरल डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट पोल इज नोन एज पोल पिच, एंड वन पोल पिच इज ऑलवेज 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल, बट एज फार एज मैकेनिकल डिग्री इज कंसर्न देन थीटा इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू पी बाई टू थीटा मैकेनिकल। किसी को कुछ पूछना तो नहीं है इस टॉपिक में, अभी जो बताया है इसमें? देखो बेटा, चार पोल की अगर मशीन है अगर चार पोल की मशीन है ये बीच में रोटर है, तो अब इन दोनों पोल के बीच में जो एडजेसेंट पोल है, यानी एडजेसेंट पोल मतलब एन के जस्ट बाद वाला पोल, यानी एस पोल, इन दोनों के बीच में कितना ये एंगल बन रहा है, तो थ्रीटा मैकेनिकल कितना होगा, 90। लेकिन थ्रीटा इलेक्ट्रिकल हमेशा 180 होता है, इसीलिए थ्रीटा इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू पी बाई टू थ्रीटा मैकेनिकल लिखा हुआ है। थ्रीटा मैकेनिकल बदलेगा, डिपेंड करेगा नंबर ऑफ पोल्स पे। अगर दो पोल की मशीन है जैसे ये एग्जाम्पल बनाया, तो यहाँ 2 रखो तो 2 से 2 कैंसिल, यानी थ्रीटा इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू थ्रीटा मैकेनिकल इस वाले मशीन के लिए, कि थ्रीटा इलेक्ट्रिकल 180 तो थ्रीटा मैकेनिकल भी 180। इस वाले मशीन के लिए पी की जगह पे 4 रखो तो 2 2 4, तो थ्रीटा इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू 2 टाइम्स थ्रीटा मैकेनिकल, तो थ्रीटा मैकेनिकल कितना हुआ,
थीटा इलेक्ट्रिकल बाई टू, और थीटा इलेक्ट्रिकल कितना होता है 180, तो 180 बटे दो यानी 90। यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है 90। अब बात क्लियर हुई? ओके, देखिए अगर कॉयल, चलिए अभी इसमें कुछ देर बाद इस पर फिर से वापस आएंगे, फिलहाल जो अभी पढ़ रहे थे उस पे आते हैं। तो यहाँ पर यह चीज़ लिखी थी, द टू कंडक्टर्स ऑफ अ टर्न आर यूजुअली अ पोल पिच अपार्ट। ठीक है, डीसी मशीन में जनरली यही किया जाता है, एसी मशीन में ये काम किया जाता है कि दो टर्न के बीच की जो डिस्टेंस है उसको एक पोल पिच से कम रख सकते हैं। ठीक है, वो कुछ करने के लिए ऐसा होता है, जब आप एसी मशीन पढ़ेंगे तो आप इस चीज़ को समझेंगे। डीसी मशीन में भी ये कभी कभी किया जाता है कम्यूटेशन को इम्प्रूव करने के लिए, बट यूजुअली यानी कि जनरली जो दो कंडक्टर हैं इनके बीच की जो लेंथ है ये हमेशा जनरली वन पोल पिच होती है। और ये जो दो कंडक्टर, या और ब्रॉडर वे में कहा जाए तो दो कॉयल साइड्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है उस वो कहते हैं कॉयल स्पैन, उसको कहते हैं कॉयल स्पैन और कॉयल पिच। तो दो कंडक्टर्स ऑफ अ टर्न आर यूजुअली अ पोल पिच अपार्ट। ठीक है, ऐसा इसलिए करते हैं ताकि जनरेटेड ईएमएफ जो हो वो एडिटिव नेचर के हों। ये मैंने जैसा कहा, अभी मैं थोड़ी देर में इसको समझाता हूँ कैसे एडिटिव नेचर के आते हैं। तो फिलहाल अभी आपको मैंने समझाया कंडक्टर की डेफिनेशन, टर्न की डेफिनेशन, अब आ जाते हैं कॉयल पे। कॉयल जो होता है वो कई नंबर ऑफ टर्न का हो सकता है, जैसे ये वाला जो एग्जांपल है इसमें ये एक टर्न की कॉयल है, ये दो टर्न की कॉयल है, और ये जो है ये मल्टी टर्न कॉयल है, यानी कि इसको हम बेसिकली अब सॉलिड लाइन से दिखाना चाहिए इसको, मतलब सॉलिड लाइन क्या, थोड़ा मोटी लाइन से दिखाना चाहिए। इसका मतलब ये है कि इसमें कई टर्न है। ठीक है, तो वन कॉयल में कंसिस्ट ऑफ एनी नंबर ऑफ टर्न, एक टर्न की भी कॉयल हो सकती है, दो टर्न की भी हो सकती है, तीन टर्न की भी हो सकती है, चार की भी हो सकती है, एन नंबर ऑफ टर्न की कॉयल हो सकती है। जैसे पहले फिगर में एक टर्न की कॉयल है, दूसरे में दो टर्न की कॉयल है, और तीसरा मल्टी टर्न है, मल्टी टर्न मतलब एक से ज़्यादा टर्न की कॉयल है। ठीक है, अब अगली डेफिनेशन है कॉयल साइड। कॉयल साइड क्या होती है? वन कॉयल विद एनी नंबर ऑफ टर्न हैज टू कॉयल साइड्स। बहुत आसान सी परिभाषा है, कोई भी कॉयल हो उसमें कितने नंबर ऑफ टर्न हो लेकिन कॉयल साइड्स हमेशा टू होंगी। कॉयल साइड्स ऑलवेज बी इज इक्वल टू टू, चाहे जितने नंबर ऑफ टर्न। तो अब सवाल उठता है कि कंडक्टर कितने होंगे, तो उसकी डेफिनेशन है द नंबर ऑफ कंडक्टर इन एनी कॉयल साइड्स, द नंबर ऑफ कंडक्टर इन एनी कॉयल साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन दैट कॉयल। तो कॉयल साइड तो फिक्स है, वो दो ही होंगी चाहे नंबर ऑफ टर्न कितने भी हो। जैसे पहले वाली कॉयल में एक टर्न है, ठीक है, दूसरे वाले कॉयल में दो टर्न है, इसमें मान लीजिए हम मान लेते हैं 20 टर्न है, जो ये वाली कॉयल है सी कॉयल, इसमें मान लेते हैं 20 टर्न है। लेकिन कॉयल साइड इसमें भी एक है, सॉरी कॉइल साइड इसमें भी दो है, कॉइल साइड इसमें भी दो है, कॉइल साइड इसमें भी दो है। कॉइल साइड फिक्स है कि दो होंगे, लेकिन जो नंबर ऑफ कंडक्टर हैं वो डिपेंड करेंगे कि कितने नंबर ऑफ टर्न हैं। जैसे इस वाले पहले वाले कॉइल का एग्जांपल लीजिए, इसमें एक टर्न है और कॉइल साइड दो है, तो नंबर ऑफ कंडक्टर कितने होंगे बताइए। जी एक होंगे, द नंबर ऑफ कंडक्टर इन एनी कॉयल साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन दैट कॉयल। तो यहाँ पर दो कॉयल साइड है, तो एक कॉयल साइड में कितना कंडक्टर है, एक, इसमें भी कितना है, एक। इस वाले कॉयल में नंबर ऑफ टर्न कितने हैं, दो। एक कॉयल साइड यानी एक कॉयल साइड ये है, एक कॉयल साइड ये है, इसमें कितने कंडक्टर है, टर्न कितने हैं, दो। तो कंडक्टर कितने हुए, दो। इस कॉयल साइड में भी कितने हैं, दो। हमने यहाँ एग्जाम्पल क्या लिया, 20 टर्न है मान लीजिए। ठीक है, तो एक कॉयल साइड में कितने कंडक्टर होंगे, तो इसमें कितने होंगे, 20, इसमें भी कितने होंगे, 20। बात आप लोगों को क्लियर हुई?
हाँ क्या बोली, मतलब जितने कंडक्टर होंगे उतने, क्या बोलना चाह रही बेटा, पहले सोच लो क्या बोलना है तुम्हें। अच्छा देखिए, कॉइल साइड फिक्स है, कॉइल साइड हमेशा दो होंगी, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न कितने भी हों कॉइल में, लेकिन कॉइल साइड दो होंगी, और हर कॉइल साइड में नंबर ऑफ कंडक्टर इज इक्वल टू होगा नंबर ऑफ टर्न। अगर एक टर्न की कॉइल है तो हर साइड में एक एक कंडक्टर होगा, दो टर्न की कॉइल है तो हर कॉइल साइड में दो दो कंडक्टर होगा, अगर 20 टर्न की कॉइल है तो हर कॉइल साइड में 20 20 कंडक्टर होगा, अगर 1000 टर्न की कॉइल है तो हर कॉइल साइड में 1000 कंडक्टर होगा। तो टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर की बात करेंगे आप, तो टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर विल बी इज इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ कंडक्टर इन एनी कॉइल साइड। ठीक है, जैसे यहाँ पर 20 टर्न है, हर टर्न में सॉरी हर कॉइल साइड में 20 कंडक्टर है, तो टोटल कंडक्टर कितना हुआ, 40। तो ये बातें आप लोगों को कुछ समझ आई। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो ये इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं छोटे छोटे, जो कि आपको समझने में मदद करेंगे आर्मेचर वाइंडिंग को, कंडक्टर का मतलब, टर्न का मतलब, कॉयल का मतलब और कॉयल साइड का मतलब। अब बात आती है इस टर्म की, वाइंडिंग की, वाइंडिंग क्या होती है। तो सेवरल कॉयल्स कनेक्टेड इन पर्टिकुलर फैशन, सेवरल कॉयल्स कनेक्टेड इन पर्टिकुलर फैशन एंड दैट फैशन कुड बी सीरीज और पैरेलल। ओके, सो सेवरल कॉयल्स कनेक्टेड इन पर्टिकुलर फैशन और पर्टिकुलर मैनर इज नोन एज वाइंडिंग। मतलब जब कई कॉयल्स को आप सीरीज में या पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे तो वाइंडिंग बनेगी। तो ये फर्क है, वाइंडिंग क्या होती है, कंडक्टर क्या होता है, कॉयल क्या होती है। हम लोग जनरली कंडक्टर नाम लेते रहते हैं जब पढ़ते हैं मशीन्स वगैरह, कॉयल नाम लेते रहते हैं, वाइंडिंग नाम लेते रहते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा फर्क है टेक्निकली। तो कंडक्टर का मतलब क्या है कि जो स्लॉट के अंदर लेंथ है वायर की या वाइंडिंग की, वो कंडक्टर है। ठीक है, और कोई भी एक टर्न की भी कॉयल हो सकती है, दो टर्न की भी कॉयल हो सकती है। कॉयल मतलब जब दो कंडक्टर मिल गए, एक टर्न बना लिया तो कॉयल हो गया, दो टर्न हो गया तो कॉयल हो गया। वाइंडिंग मतलब जब इसी तरह की कॉयल्स को हम सीरीज या पैरेलल में ऐड कर देते हैं तो वो वाइंडिंग बन जाती है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टर्म वाइंडिंग, कंडक्टर, टर्न, कॉयल एंड कॉयल साइड्स। इन टर्म्स का यूज होता रहता है अक्सर न्यूमेरिकल में भी, और जब आप थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें भी, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। अब हम लोग को इस वाले स्लाइड पे फिर से आते हैं। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि दो कंडक्टर के बीच में या दो कॉइल साइड के बीच में जो डिस्टेंस है उसको कहते हैं कॉइल स्पैन। और जनरली कॉइल स्पैन इज इक्वल टू पोल पिच होता है डीसी मशीन में। ठीक है, लेकिन और पोल पिच इज इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल। तो अगर कॉइल स्पैन 1 पोल पिच यानी 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल के बराबर है तो उसको कहते हैं फुल पिच कॉइल। इफ जो कॉइल स्पैन यानी कॉइल पिच है वो लेस देन 1 पोल पिच है तो उस कॉइल को कहते हैं शॉर्ट पिच और कॉर्डेड कॉइल। अगर ये 180 माइनस, मान लीजिए कि ये इतना एंगल जो है वो अल्फा है, तो ये हो गया 180 माइनस अल्फा। तो अगर कॉइल स्पैन लेस देन 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल है तो उसको कहते हैं शॉर्ट पिच और कॉर्डेड कॉइल। और डीसी मशीन में जनरली फुल पिच कॉइल का ही इस्तेमाल होता है, क्योंकि रिक्वायरमेंट ये है कि हम एडिटिव नेचर का दोनों कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस करें ताकि हमारा जो टोटल ईएमएफ हो ज़्यादा से ज़्यादा हो। ठीक है, ये कैसे होगा इसके बारे में भी अभी समझते हैं। फिलहाल यहाँ तक जो हमने आपको बताया वो समझ में आया।
आप लोगों को? ठीक है, मान लीजिए। हाँ सर बताइए। देखो, इस पॉइंट को नाम दिया ए, इस पॉइंट को नाम दिया सी, इस पॉइंट को नाम दिया बी, इस पॉइंट को नाम दिया डी, इस पॉइंट को नाम दिया ई। थोड़ा सा नाम देने में अच्छा नहीं लग रहा है, नाम बदल देते हैं। इसको ए दे देते हैं, इस पॉइंट को बी, इस पॉइंट को सी, इस पॉइंट को डी, इस पॉइंट को ई। तो जो कॉइल है बेटा, वो ए बी सी डी ई, ये पूरी लेंथ कॉइल कहलाती है, ठीक है। लेकिन कंडक्टर उसको कहते हैं जो स्लॉट के अंदर है, इतना पोर्शन जो स्लॉट के अंदर है इस कॉइल का, सिर्फ इसको ही हम कंडक्टर कहते हैं। कंडक्टर जो है वो कॉइल का ही भाग है, लेकिन वो भाग है जो स्लॉट के अंदर है। क्यों कंडक्टर कहते हैं, इसका जवाब मैंने दिया, क्योंकि जो एनर्जी कन्वर्जन का प्रोसेस है, या और आसान भाषा में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, वोल्टेज बनेगा, वो इसी लेंथ में बनेगा जो स्लॉट के अंदर है, इसलिए इसको कंडक्टर नाम दिया गया है। अदरवाइज ये पूरी लेंथ ए बी सी डी ई, ये पूरी कॉइल कहलाती है, पूरी लेंथ। ठीक है, बात क्लियर हुई? और ये जो लेंथ बाहर है स्लॉट के, इसको कहते हैं ओवर हैंगिंग लेंथ, ओवर हैंगिंग लेंथ, या ओवर हैंगिंग सिंपली बोल देते हैं, लेंथ जोड़ने की जरूरत नहीं, ओवर हैंगिंग कह देते हैं। कविता, अब आपको कुछ समझ आया बेटा? ठीक, तो कॉयल का ही भाग है कंडक्टर, बट कंडक्टर वो भाग है जो स्लॉट के अंदर है। और वाइंडिंग मतलब इसी तरह की कई कॉयल आप सीरीज में या पैरेलल में जोड़ते चले जाइए, तो उस पूरे स्ट्रक्चर को जो ऐसा करने पर बना, उसको कहते हैं वाइंडिंग। ठीक है, और आप जैसे आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो स्लॉट के अंदर लेंथ है, ये थोड़ा मोटी बनाई गई है, लाइन मोटी लाइन है, और ये देखिए डैश इस तरह से करके बनाया गया है, और ये मोटी लाइन है। ये इसलिए ऐसा किया गया ताकि आप ये समझ सकें कि ये जो कॉयल साइड है, इसके अंदर कई टर्न्स आए हुए हैं, मतलब कई इसमें कंडक्टर हैं, ढेर सारे कंडक्टर्स हैं, ये कई टर्न की कॉयल है, ये जो यहाँ पर है ए बी सी डी ई ई, ये एन नंबर ऑफ टर्न की कॉयल है। ठीक, तो एक कॉयल साइड में यहाँ एन नंबर ऑफ कंडक्टर्स हैं, यहाँ भी एन नंबर ऑफ कंडक्टर्स हैं। अब कविता, आपको बातें बेटा कुछ क्लियर हुई? तो यहाँ पर कुछ समझाने की मैं कोशिश करने जा रहा था आप लोगों को, कि क्यों ये कहा गया कि कंडक्टर्स के बीच में जो लेंथ है, कॉइल साइड के बीच में जो लेंथ है, वो वन पोल पिच होना चाहिए, ताकि जो ईएमएफ हो कंडक्टर्स में, वो एडिटिव नेचर का हो। मान लीजिए कि ये आर्मेचर पे स्लॉट है, एक कंडक्टर ये है, एक कंडक्टर ये है, यहाँ पे सपोज एन पोल है, यहाँ पे सपोज एस पोल, और जो रोटेशन है आर्मेचर का से क्लॉकवाइज है, एट ओमेगा रेडियन पर सेकेंड, ठीक, ये इसका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये रोटेट कर रहा है आर्मेचर, और ये दो कंडक्टर हो गए। ठीक है, अब ये रोटेट हो रहा है, तो वेलोसिटी की अगर बात करें, तो
इसकी वेलोसिटी इस तरह से आप बनाएंगे, ये वेलोसिटी हो गई, इसकी वेलोसिटी इधर हो गई, ठीक। और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एन से एस पोल की तरफ होती है, यानी इस वाले कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो गई और इस वाले कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो होगा वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी। तो अब इस ईएमएफ की डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ पर देखिए क्या है, वी क्रॉस बी। तो वी क्रॉस बी, अगर हम राइट हैंड रूल लगाएं वी क्रॉस बी, तो यहाँ पर क्या कन्वेंशन आएगी, डॉट या क्रॉस, कोई बताएगा? क्लास में मौजूद? हाँ, डॉट आएगा पक्का? फिर से एक बार आप लोग सोच लीजिए, तब फिर मैं एक्सप्लेन करूं, तब तक मैं इसको बना लेता हूं। पक्का डॉट आएगा भैया? वी क्रॉस बी है, यानी कि वी क्रॉस बी, जब आप वी क्रॉस बी लेंगे तो यहाँ पे क्रॉस आएगा ना, राइट हैंड रूल लगाइए। मान लीजिए इसको आप भूल गए, टॉर्क का तो फॉर्मूला याद होगा आप लोगों को, उसी से देख लीजिए क्रॉस आएगा। और यहाँ पर क्या है, फिर से वी क्रॉस बी, इधर आप किधर की तरफ जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, और इधर आप किधर जा रहे हैं, क्लॉकवाइज। तो जब आप क्लॉकवाइज क्रॉस कर रहे हैं तो यहाँ पर क्रॉस आएगा, और एंटी क्लॉकवाइज क्रॉस कर रहे हैं तो यहाँ डॉट आएगा। डॉट का मतलब है कि जो भी प्लेन है उससे बाहर की तरफ, और क्रॉस का मतलब है जो भी प्लेन है उसमें अंदर की तरफ, ठीक है भाई। ये देखिए ना, ये रोटर तो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है ना, उस हिसाब से वेलोसिटी वेक्टर इधर ऊपर की तरफ है और बी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है, तो फॉर्मूला वी क्रॉस बी है ना। तो जब वी क्रॉस बी, यानी वी से आप बी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आप किधर जा रहे हैं, क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब ये वेक्टर जो होगा वो अंदर की तरफ होगा प्लेन से, और ये वाला जो है ये बाहर बाहर की तरफ रहेगा। तो डॉट का मतलब बाहर की तरफ प्लेन से, और क्रॉस का मतलब अंदर की तरफ। तो इसीलिए अगर हम यहाँ पर इस चीज़ को करें, मान लीजिए कि अगर हमने क्रॉस को कन्वेंशन दे दी कि ये प्लस है और ये माइनस है, यहाँ ईएमएफ मान लीजिए स्मॉल ई इंड्यूस हो रहा है, तो जो प्लेन से बाहर है उसके लिए हम कन्वेंशन क्या देंगे, माइनस प्लस। हम इसका ठीक उल्टा भी कर सकते हैं, मान लीजिए इसको हमने माइनस और इसको प्लस दे दिया, तो फिर यहाँ प्लस देंगे या माइनस देंगे। तो अब ये दोनों ईएमएफ किस तरह से है, एडिटिव नेचर क्या है, यानी टोटल ईएमएफ यहाँ कितना इंड्यूस होगा, 2e। ये बात आप लोग को कुछ क्लियर हुई? बोलिए। चलिए अच्छी बात है। देखिए ईएमएफ का आप लोग फिजिक्स में एक डेरिवेशन पढ़े होंगे, रोटेशनल ईएमएफ, ये हमने रेफरेंस वहीं से लिया है, रोटेशनल ईएमएफ से। फॉर्मूला आता है ना बी एल वी, वहीं से रेफरेंस लिया हमने, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि रोटेशनल मोशन हो रहा है कंडक्टर का, इस वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, इसलिए यहाँ पे बी क्रॉस बी लिखा हुआ है। ओके, तो हेंस दोनों कंडक्टर के बीच में क्या हुआ, एडिटिव वोल्टेज डेवलप हुआ। अब एक चीज़ और, जब इतना बता दिया तो थोड़ा और बता दिया जाए भाई। मान लीजिए कि रोटेट होते हुए ये दो कंडक्टर किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, ये वाला यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक। ये मैं यहाँ पर नंबर ऑफ स्लॉट बढ़ा नहीं रहा हूँ, सिर्फ इसी डायग्राम में बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को कि
ये वाला कंडक्टर यहाँ पहुँचेगा रोटेशन करते हुए, ये वाला कंडक्टर यहाँ पहुँचेगा। तो जब ये दोनों कंडक्टर यहाँ पहुँचेंगे तो आप देखिए वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो जाएगी और मैग्नेटिक फील्ड भी तो इसी डायरेक्शन में, वो तो फिक्स है। अब यहाँ पर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो जाएगी और मैग्नेटिक फील्ड तो इसी डायरेक्शन में बनी रहेगी। तो इस केस में और इस केस में, दोनों केस में ये दोनों वेक्टर पैरेलल या तो एंटी पैरेलल आ गए, तो ईएमएफ क्या हो जाएगा कोई बताएगा? जब दोनों वेक्टर पैरेलल या एंटी पैरेलल आ जाएंगे तो ईएमएफ कितना हो जाएगा? जीरो। जीरो, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब कंडक्टर अंडर द पोल होता है तो उसमें मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस होता है, ठीक है। जब ये पोल के बाहर जाएंगे दोनों कंडक्टर तो इनमें जो ईएमएफ है वो रिड्यूस होता जाएगा, और इस पोजीशन पे जब आएगा, इस पोजीशन को हम नाम दे सकते हैं मैग्नेटिक न्यूट्रल। इस पोजीशन पे आएगा तो ईएमएफ इंड्यूस जो है जीरो हो जाएगा। बहरहाल ये तो बहुत आगे की बात अभी यहाँ पे हमने कर दी, लेकिन इस वजह से इनके बीच की लेंथ को एक पोल पिच के बराबर रखते हैं ताकि इनमें जो ईएमएफ इंड्यूस हो वो एडिटिव नेचर का हो। अदर देन 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल रखा जाएगा इसकी लेंथ को, तो एडिटिव नेचर के नहीं होंगे ईएमएफ, ईएमएफ इंड्यूस कम हो जाएगा। अब देखिए हमको ईएमएफ बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ एक और टर्न लगा दीजिए, और बढ़ाना है एक और टर्न बढ़ा दीजिए। तो जैसे जैसे आप टर्न बढ़ाते जाएंगे, देखिए यहाँ ई था, यहाँ पे भी ई आएगा, यहाँ भी ई आएगा, यहाँ भी ई आएगा, यहाँ भी ई आएगा, तो यहाँ कितने ई हो गए? थ्री। यहाँ कितने ई हो गए? थ्री। तो टोटल कितने ई हो गए? सिक्स। मान लीजिए ये 1 वोल्ट है, ई बराबर 1 वोल्ट मान लें, तो पहले केस में 2 वोल्ट बन रहा था, इस वाले केस में कितना बनेगा? 6 वोल्ट। समझ में आया कुछ? मंटू, अभिषेक, पांडे, आप लोगों को कुछ समझ आया वोल्टेज कैसे एडिटिव नेचर का हो रहा है और टर्न बढ़ाने से कैसे वोल्टेज बढ़ जाएगा? चलिए बहुत ही अच्छी बात है अगर आप लोगों को इस समझ में आया। तो फिलहाल अभी तक जितना हम लोगों ने आर्मेचर वाइंडिंग में डिस्कस किया है, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो हम लोग आज की क्लास के डिस्कशन को